दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। इन पहली बड़ी खबर है, होली के जश्न के बीच कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दी छठी लिस्ट, पांच उम्मीदवारों का कर दिया ऐलान। दरअसल कांग्रेस ने अपनी छठी लिस्ट जारी कर दी है। पांच उम्मीदवारों की इस लिस्ट में चार राजस्थान के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। बता दें कि प्रहलाद गुंजल हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने प्रहलाद गुंजल को भी टिकट दे दिया है। उनका मुकाबला लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से होगा। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता के बिगड़े बोल, बोले मोदी मोदी का नारा लगाने वाले लोगों में मारने चाहिए थप्पड़। दरअसल कांग्रेस की ओर से व्यक्तिगत हमले करने वालों में कर्नाटक के कन्नड़ और संस्कृति मंत्री शिवराज तंगदागी का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का समर्थन करने वाले युवाओं को थप्पड़ मारने की वकालत की। 10 वर्षों में 20 करोड़ नौकरियां प्रदान करने के भाजपा के वादे को पूरा करने में विफल रहने को लेकर उन्होंने ये बयान दिया। तंगदागी ने केंद्र सरकार के प्रदर्शन के विभिन्न अन्य पहलुओं की भी आलोचना की। उन्होंने करातगी में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, क्या उन्होंने दी? उन्हें शर्मानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके जो युवा समर्थक मोदी मोदी का नारा लगाते हैं, उन लोगों को थप्पड़ मारने चाहिए। अगली बड़ी खबर, आज प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेगी आम आदमी पार्टी, सौरभ भारद्वाज बोले वहीं से चलती हैं ईडी और सीबीआई। दरअसल दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने होली के दिन कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जिस दिन जेल से छूटकर बाहर आएंगे, हम लोग उसी दिन होली मनाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री को जेल में भेजा गया, उसे पूरा विश्व देखकर हैरान है। उन्होंने कहा इस गुंडागर्दी के खिलाफ जवाब देना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम रामलीला मैदान में बड़ी रैली करेंगे। उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि आज हम लोग प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे, क्योंकि यहीं से ईडी और सीबीआई संचालित होती है। अगली बड़ी खबर, कार्ति चिदंबरम ने दाखिल किया नामांकन, आज कमलनाथ के बेटे भी भरेंगे पर्चा। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सोमवार को तमिलनाडु के शिवगंगा से कांग्रेस के नेता कार्ति चिदंबरम ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वो पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे हैं। तो वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मध्य प्रदेश में आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी मंत्री आतिशी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला, बोली मोदी जी ने चुनाव की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल को क्यों करवाया गिरफ्तार। दरअसल दिल्ली की मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास से पैसा नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने चुनाव की घोषणा के बाद ही मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों करवाया। उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि केजरीवाल ही उन्हें चुनौती दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को यह पता है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ही उन्हें हरा सकते हैं, यही वजह है कि पीएम मोदी केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं। मंत्री आतिशी ने कहा कि बिना किसी सबूत के केजरीवाल को हिरासत में लिया गया, डर की वजह से वो अरविंद केजरीवाल को कुचलना चाहते हैं। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा राहुल गांधी ने विकास को रोकने का किया है काम। दरअसल वायनाड से अपनी उम्मीदवारी पर केरल बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने कहा कि मैं पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी की नकारात्मक राजनीति के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में राहुल गांधी ने विकास को रोकने का काम किया है। अगली बड़ी खबर, संविधान और लोकतंत्र के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर बड़ा अभियान कर दिया शुरू। दरअसल आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया है और लोगों से देश में संविधान एवं लोकतंत्र को बचाने के लिए इसका समर्थन करने की अपील की है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने संवाददाता सम्मेलन में डीपी यानी डिस्प्ले पिक्चर नामक सोशल मीडिया अभियान की शुरुआत की और लोगों से इसमें शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी नेता और स्वयंसेवी एक्स, फेसबुक और व्हाट्सएप समेत अन्य सोशल मीडिया मंचों पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर को बदलेंगे तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को सलाखों के पीछे दर्शाएंगे। साथ ही कैप्शन में मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल लिखा होगा। अगली बड़ी खबर, नवीन जिंदल के बीजेपी में शामिल होने पर जमकर बरसे जयराम रमेश, बोले पीएम मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बल्कि वॉशिंग मशीनें तैनात करके एक भ्रष्टाचारी मुक्त कांग्रेस बनाई है। दरअसल नवीन जिंदल के बीजेपी में शामिल होने के तुरंत बाद जयराम रमेश ने कहा कि जब आपको एक विशाल आकार की वॉशिंग मशीन की आवश्यकता होती है तो ये तो होना ही था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कांग्रेस मुक्त भारत चाहते थे, इसके बजाय उन्होंने भ्रष्ट कांग्रेसियों को अपनी शरण में लेने के लिए मजबूर करने के लिए ईडी और सीबीआई के साथ साथ कई वॉशिंग मशीनें तैनात करके एक भ्रष्टाचारी मुक्त कांग्रेस बनाई है।
अगली बड़ी खबर, बयान वीरों को बीजेपी ने दे दिया सख्त संदेश, संविधान बदलने की कही थी बात, अब बीजेपी ने अनंत हेगड़े का काट दिया टिकट। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की आई पांचवी सूची में भी अनंत कुमार हेगड़े का नाम नहीं था। आपको बता दें कि अनंत कुमार हेगड़े ने दावा किया था कि लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने से जुड़ा बीजेपी का लक्ष्य संविधान बदलने की ओर है, इसीलिए बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। बीजेपी ने ऐसा करते हुए न सिर्फ दक्षिण भारत के कर्नाटक से 6 बार के सांसद का टिकट काटा, बल्कि पार्टी नेताओं के बीच ये सख्त संदेश देने की कोशिश की कि बगैर सोचे समझे गलत बयानबाजी करने वालों के साथ दल इसी तरीके से पेश आएगा। ऐसे नेता बीजेपी के लिए नहीं बल्कि निजी भविष्य के लिए दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, 7% है आबादी लेकिन बीजेपी ने नहीं दिया एक भी टिकट, गुस्साए क्षत्रिय समाज ने 29 मार्च को बुलाई बड़ी बैठक। दरअसल कई जगहों पर जाति के हिसाब से टिकट न मिलने पर एक खास वर्ग में नाराजगी देखने को मिल रही है, ऐसा ही कुछ झारखंड में सामने आ रहा है। यहां पर क्षत्रिय समाज एनडीए की ओर से की गई उपेक्षा से काफी नाराजगी जाहिर कर रहा है। दरअसल बीजेपी ने यहां राज्य की 14 लोकसभा सीटों में से 13 पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन इस लिस्ट में एक भी उम्मीदवार क्षत्रिय समाज से नहीं है। क्षत्रिय समाज से किसी को टिकट न मिलने पर अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज के अंदर काफी नाराजगी है। अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार सिंह का कहना है कि समाज के गुस्साए लोग लगातार फोन कर रहे हैं। 29 मार्च को समाज ने एक बड़ी बैठक बुलाई है, इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि समाज आगे क्या करेगा। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी को लेकर बीजेपी नेता ने कर दिया चौंकाने वाला दावा, कहा वायनाड में भी राहुल गांधी का अमेठी जैसा होगा हाल। दरअसल बीजेपी के केरल इकाई के प्रमुख वायनाड सीट से पार्टी उम्मीदवार के सुरेंद्रन ने दावा किया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आगामी लोकसभा चुनाव में इस सीट पर भी अमेठी जैसे ही नतीजे का सामना करना पड़ेगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वायनाड सीट से 4 लाख से अधिक मतों से जीत दर्ज की थी। वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से के सुरेंद्रन की उम्मीदवारी की घोषणा के साथ ही इस सीट पर रोमांचक मुकाबले के आसार बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने के सुरेंद्रन को राहुल गांधी के खिलाफ टिकट दिया है। उन्होंने दावा कर दिया है कि वायनाड में भी राहुल गांधी का अमेठी जैसा हाल होगा। अगली बड़ी खबर, सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रनौत को लेकर किया भद्दा पोस्ट तो बीजेपी ने बर्खास्त करने की मांग। दरअसल बीजेपी उम्मीदवार बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनेत की आपत्तिजनक पोस्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। हालांकि बाद में सुप्रिया श्रीनेत ने सफाई देते हुए कहा कि ये पोस्ट उन्होंने नहीं की है। उन्होंने कहा कि मेरा अकाउंट फेसबुक और इंस्टाग्राम तक पहुंच रखने वाले किसी व्यक्ति ने ये बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट किया है जिसे दिया गया है। मगर अब बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस आलाकमान से सुप्रिया श्रीनेत का इस्तीफा मांगा है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवी ने कहा कि ये इतना घृणित है कि कोई भी ये पूछे बिना नहीं रह सकता, आखिर कांग्रेस इतनी गंदगी एक जगह कैसे इकट्ठा कर लेती है। उन्होंने कहा कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस पार्टी में कोई भूमिका है तो उन्हें तुरंत सुप्रिया श्रीनेत को बर्खास्त कर देना चाहिए। अगली बड़ी खबर, भोजशाला में चल रहा एएसआई सर्वे, भोजशाला सरस्वती मंदिर था बाद में से इस्लामिक मस्जिद में बदला गया, पूर्व एएसआई अधिकारी ने कर दिया बड़ा दावा। दरअसल पूर्व एएसआई अधिकारी के मोहम्मद ने दावा किया कि मध्य प्रदेश के धार जिले में विवादास्पद भोजशाला कमल मौला मस्जिद परिसर एक सरस्वती मंदिर था और बाद में से इस्लामी इबादत स्थल में तब्दील कर दिया गया। उन्होंने साथ ही कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों को अदालत के फैसले का पालन करना चाहिए और ऐसे स्थानों पर मतभेदों को दूर करने के लिए बातचीत करने के साथ पूजा स्थल अधिनियम 1991 का सम्मान करना चाहिए। मोहम्मद ने कहा कि मुसलमानों को भी मथुरा और काशी को लेकर हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी को लगा बड़ा झटका, कांग्रेस के 6 बार के सांसद भरत नारा ने दे दिया इस्तीफा, मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दिया एक लाइन का पत्र। दरअसल असम के लखीमपुर जिले के विधायक भरत चंद्र नारा ने अपनी पत्नी को लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने 2 दिन पहले उदय शंकर हाजरिका को लखीमपुर लोकसभा सीट से पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया। नारा को उम्मीद थी कि कांग्रेस इस सीट से उनकी पत्नी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रानी नारा को टिकट देगी। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे एक पंक्ति के त्याग पत्र में कहा कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहा हूं। नारा ने असम प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है।
अगली बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल हो गए खनन कारोबारी जनार्दन रेड्डी, अपनी पूरी पार्टी का ही बीजेपी में कर दिया विलय। दरअसल कर्नाटक के पूर्व मंत्री और खनन कारोबारी जी जनार्दन रेड्डी लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। रेड्डी ने पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ अपना 2 दशक पुराना नाता तोड़कर अपनी अलग पार्टी का गठन किया था। रेड्डी ने इसके साथ ही अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर दिया है और वो अपनी पत्नी अरुणा लक्ष्मी और परिवार के कुछ सदस्यों के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश हित में और प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में समर्थन देने के लिए मैं बीजेपी में शामिल हो गया हूं, मैं अपने घर वापस आ गया हूं। उन्होंने कहा कि पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसे निभाऊंगा और सबके लिए प्रचार करूंगा। अगली बड़ी खबर, अब खुद चुनावी मैदान में उतरे हनुमान बेनीवाल, नागौर सीट से साफ हो गई तस्वीर, बीजेपी की ज्योति मृदा से होगा मुकाबला। दरअसल राजस्थान की चर्चित नागौर लोकसभा सीट की तस्वीर साफ हो गई। यहां पर कांग्रेस पार्टी से गठबंधन हो जाने के बाद अब आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से गठबंधन हो जाने के बाद हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने इस सीट को उसके लिए छोड़ दिया था। उसके बाद आज आरएलपी के राष्ट्रीय महासचिव मनीष चौधरी ने नागौर प्रत्याशी के तौर पर हनुमान बेनीवाल नाम का ऐलान कर दिया। इससे अब नागौर का मुकाबला बेहद जबरदस्त हो गया है। बीजेपी ने यहां से ज्योति मृदा को चुनावी मैदान में उतारा है। अगली बड़ी खबर, होली के जश्न में पड़ा खलल, उज्जैन के महाकाल मंदिर के गर्भगृह में लगी आग, 13 लोग हो गए घायल। दरअसल उज्जैन के महाकाल मंदिर में सोमवार सुबह भस्म आरती के दौरान बड़ा हादसा हुआ। यहां आरती के दौरान आग लगने से 13 लोगों के घायल होने की सूचना है। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। मंदिर प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान गुलाल उड़ाने के दौरान ये आग लगी। आग की लपेट में आने से 5 पुजारी झुलस गए। खबर है कि आग से 6 सेवक भी झुलसे हैं। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में कुल 13 लोग आग की चपेट में आए हैं। अगली बड़ी खबर, महाकाल मंदिर में आगजनी की घटना पर राजनीति शुरू, कांग्रेस पार्टी बोली परिसर में सुरक्षा की खुल गई पोल। दरअसल महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में सोमवार को हुए हादसे ने बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों को एक्टिव कर दिया है। अस्पताल में घायलों से मिलने की होड़ मची है। बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार पीड़ितों से मिलकर जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय घायलों से मिलने अरविंदो हॉस्पिटल पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार ने प्रदेश सरकार से घायलों को जल्द देने की मांग की। महेश परमार ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटना की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस घटना ने महाकालेश्वर मंदिर परिसर में सुरक्षा इंतजामों की पोल खोल दी है। अगली बड़ी खबर, महाकाल मंदिर आग हादसे को लेकर पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को लगाया फोन, हादसे के बारे में ली जानकारी। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने उज्जैन हादसे की जानकारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से ली। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से फोन पर बातचीत की। बातचीत में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी को आगजनी की पूरी घटना की जानकारी दी। इस दौरान पीएम मोदी ने भगवान महाकाल से सभी घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने 8 लाख वोटों से चुनाव जीतने का किया दावा, तो कांग्रेस नेता बोले लिखकर दें नहीं तो इस्तीफा देने को तैयार रहें। दरअसल अक्षय कांति बम ने कैलाश विजयवर्गीय के 8 लाख वोटों से चुनाव जीतने के दावे पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय में हिम्मत है तो लिखकर दें नहीं तो इस्तीफा देने को तैयार रहें। दरअसल इंदौर लोकसभा चुनाव के अधिकृत प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने आज कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं नेताओं से मुलाकात की और चुनाव में काम करने की अपील की। उन्होंने इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय 8 लाख वोटों से चुनाव जीतने के दावे पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वो हमें लिखकर दें नहीं तो इस्तीफा देने को तैयार रहें। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता के मोदी मोदी के नारे लगाने वालों को थप्पड़ मारने वाले बयान पर बीजेपी ने किया पलटवारा, कहा ये बेहद शर्मनाक है। दरअसल कर्नाटक के मंत्री शिवराज तंगादागी के एक विवादास्पद बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। तंगादागी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि मोदी मोदी के नारे लगाने वाले युवकों और छात्रों को थप्पड़ मारे जाने चाहिए। इस पर बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि जिन राजनीतिक दलों ने युवाओं को निशाना बनाया है वे बचे नहीं हैं। अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस के मंत्री शिवराज तंगादागी जो कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने पीएम मोदी के पक्ष में नारे लगाने वाले छात्रों को थप्पड़ मारने के लिए कहा है, सिर्फ इसलिए कि यंग इंडिया ने राहुल गांधी को बार बार खारिज कर दिया है और वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी देश का नेतृत्व करें और कांग्रेस पार्टी उन पर हमला करेगी, ये शर्मनाक है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।